इन दिनों शंकर मिश्रा का नाम सुर्खियों में छा गया है। चलिए आगे बात करें, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल गौरतलब है कि 26 नवंबर को नशे में धुत होकर शंकर मिश्रा नाम के शख्स ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया, जिसके खिलाफ महिला ने शिकायत की। तो वही शख्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इसके अलावा आरोपी के बारे में जानकारी लेने के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपी एस मिश्रा के एक रिश्तेदार से मिलने मुंबई पहुंच गई और पूछताछ कर रही है। इससे पहले एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी है। नियम अनुसार वो इतनी ही अधिकतम सजा ऐसे यात्री को दे सकती है। तो वहीं 42 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को 3 दिन की हिरासत की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं आरोपी के पिता श्याम मिश्रा ने अपने बेटे को ब्लैकमेल किए जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित महिला ने भुगतान की डिमांड की थी, जो पूरी कर दी गई थी। उसके बाद अचानक से उसने शिकायत की है। ऐसा लगता है कि कुछ और मांग भी रह गई होगी जो पूरी नहीं हुई है, और वो ब्लैकमेलिंग पर उतर गई होगी। इस घटना की वजह से 34 साल के शंकर मिश्रा को वेल्स फार्गो ने नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिका की इस बहुराष्ट्रीय कंपनी में वो भारत का उपाध्यक्ष है। कंपनी ने कहा है कि वेल्स फार्गो कर्मचारियों को पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवहार के उच्चतम मानकों के अनुरूप रखता है। ये आरोप बेहद ही परेशान करने वाला है। इस व्यक्ति को वेल्स फार्गो से निकाल दिया गया है। हम कानून प्रवर्तन के साथ में सहयोग कर रहे हैं। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था, ऑलमोस्ट समझ लो कि एक दिन दो दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा, वो रात को खाना खा के इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं, तो पिया होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ की जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है। वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की, ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। महिला ने बताया था कि भोजन परोसने और फ्लाइट के अंदर की रोशनी कम किए जाने के बाद ये घटना हुई। इस मामले में एयर इंडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद घटना से जुड़े कई सारे तथ्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज वॉच इंडिया।